सिद्धू मूसेवाला, एक ऐसा नाम जो अभी तक सबकी जुबान पर अपने पंजाबी हिट्स के लिए आता था और साथ ही साथ अपने बेबाक कैरेक्टर के लिए, पर आज सब उन्हें एक अतीत की तरह याद कर रहे हैं। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की न्यूज आई, उनके फैंस से लेकर इंडस्ट्री तक सब बस यही प्रे कर रहे थे कि काश ये न्यूज फेक हो, काश ऐसा ना हुआ हो। लेकिन थोड़ी ही देर में सबको पता चल गया कि अब उनके फेवरेट सिद्धू इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई, लोग अपने इमोशनल मैसेजेस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, जिनमें फैंस की तो गिनती ही नहीं है, और बात करें एक्टर्स या सिंगर्स की तो सभी ने सिद्धू मूसेवाला को होमेज दी। फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन हो, म्यूजिक कंपोजर विशाल दादलानी या टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक, इंडस्ट्री में सभी ने अपना दुख सोशल मीडिया पर दिखाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी सिर्फ यही तक सीमित थी, तो आप गलत है, क्योंकि अब कैनेडियन रैपर और सिंगर ड्रेक ने भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लिए अपने इंस्टाग्राम पर ट्रिब्यूट डाला है। ड्रेक ने RIP मूसे के साथ फ्री बर्ड का इमोजी बनाया और साथ ही सिद्धू मूसेवाला और उनकी मदर की फोटो को शेयर किया। ये फोटो देखकर सिद्धू मूसेवाला और ड्रेक के कई फैंस ने ट्वीट कर दिया कि हम इन दोनों को साथ काम करते हुए देखना चाहते थे। 2020 में भी ड्रेक हेडलाइंस में आ गए जब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। माना जाता है कि सिद्धू मूसेवाला भी ड्रेक और उनके म्यूजिक को काफी पसंद किया करते थे और उनके फैन थे। सिद्धू मूसेवाला और ड्रेक ने कभी एक साथ काम नहीं किया, लेकिन दोनों के फैंस का ये सपना था कि वो दोनों लेजेंड्स को एक साथ एक फ्रेम में देखे। और होगा कैसे नहीं, आखिर दोनों के ढेर सारे फैंस टोरंटो बेस्ड जो हैं। खैर, ड्रेक के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला के लिए पंजाबी इंडस्ट्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, जहां दिलजीत ने बहुत ही हार्टफेल्ट पोस्ट डाल के लिखा कि आज बहुत बुरा दिन है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। वही बादशाह, परमीश वर्मा, जिमी शेरगिल, एमी विर्क और सरगुन मेहता ने भी पंजाब के बेटे के लिए अपने कॉन्डोलेंस पोस्ट डाले। वाकई चाहे फैंस हो, बॉलीवुड हो, पंजाबी सिनेमा हो या हॉलीवुड हो, सिद्धू मूसेवाला ने सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी है, और इसी के लिए उन्हें आने वाले टाइम में भी दिल से याद किया जाएगा।